अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये MGT 611 का ग्रैंड क्विज़ है, मिड टर्म क्विज़ है, ठीक है। आपने अगर इसमें कोई आपको अगर गलती नज़र आती है तो आपने अपने सेल्फ पे ज़रूर ठीक करना है, क्योंकि गलती हम सभी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन, आई प्रॉमिस टू पे द अमाउंट दैट मे बी फाउंड ड्यू बाय एन ऑर्बिटर ऑन टेकिंग अकाउंट्स बिटवीन द पार्टीज इज़ नॉट प्रॉमिसेस टू पे अ डेबिट विद इन सेक्शन 19। तो इसका है एन ऑर्बिटर। इसके बाद दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच पर्सन परफॉर्म्स द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर कोई गलत हुआ तो आपने अपने ओन पे खुद जरूर ठीक करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ, एथिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द थियरी ऑफ लेजिस्लेशन प्रीसीडेंट एंड कस्टम इज डन बाई एनालिटिकल जूरिसप्रूडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ड्यू टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस एज फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 कॉन्ट्रैक्ट 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट्स आर वॉइड व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड सक्सेसफुली इट लीड्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दीज दोज डैमेजेस विच नेचुरली अराइजेस एज द रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। अ पेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स टू पेंट अ पिक्चर फॉर दिस कस्टमर पेज 1000 हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट द पेंट फॉर the painter himself. The which of the following is not essential for a valid proposal, the offer must be in written form, an agreement with a minor is void, which one of the following statement is true, all contingent contracts not vagaring in nature. Iske baad hai, a contract of guarantee is contract to perform the promise to discharge the liability of a third person टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। इसके बाद ये बोला है, ठीक है, ये आपने पढ़ने से इतना इसका है बेलमेंट, इसका राइट आंसर है। इसके बाद है इसका भी नाइट, इसका है नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी अमाउंट। इसके बाद है इट इज सच अ प्रैक्टिस डेट एवरीबडी इन द पर्टिकुलर ट्रेड नोज इट और माइट नो इफ ही टूक पेंस टू एक्वायर, ये राइट आंसर है। इसके बाद इसका टू मैनी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स मे नॉट बी परफॉर्म्ड पर्सनली टू मैरी टू मैरी, ठीक है। इसके बाद ये वाला है, इसके अपने क्वेश्चन पढ़ने, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इसमें सारे लॉज ऑफ रेंट भी आता है, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग भी आता है, कंपनसेशन भी आता है। इसके बाद ये वाला है, इसमें वाइड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक वाइड है जो पीछे स्टेटमेंट दी हुई है। इसका जो राइट आंसर है वो मिस्टर ए इज द बॉयलर, मिस्टर आर इज द सब बॉय बेली एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज द बेली। A contract in which nothing remains to be done by either party is called executed. इसके बाद ये अलग एग्रीमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1872 ये सेक्शन 10 के, ठीक है। अ प्रोमोटर ऑफ कॉरपोरेशन हु रिक्वेस्ट पीपल टू इन्वेस्ट मनी इन टू कॉरपोरेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टर भी एंटरप्रेन्योर भी है, ठीक है। वैन एन एजेंसी इज क्रिएटेड बाई वर्ड स्पोकन एक्सप्रेस। इसके बाद है 4 years। इसके बाद सेक्शन 34 के अगेंस्ट ये वाली, ये ठीक है। इसके बाद कंसर्न कॉज्ड बाय फ्रॉड मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल।